शुभमन गिल डेंगू का शिकार हुए, इसलिए वह पहले दो वनडे विश्व कप मैच नहीं खेल पाया। ईशान किशन ने ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान के खिलाफ मैच में उनकी जगह पारी की शुरुआत की। हेलो दोस्तों, अगर आप शुभमन गिल के फैन हैं, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। भारत पाकिस्तान मैच से पहले भारतीय टीम के सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल अहमदाबाद पहुंच गए हैं। बुधवार रात गिल अहमदाबाद हवाई अड्डे पर पहुंचे। 14 अक्टूबर को भारत और पाकिस्तान का खेल होना है, यही कारण है कि गिल को फिटनेस हालिस करने के लिए दो दिन का समय मिलता है। ईशान किशन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहली गेंद में ही आउट हो गए थे और अफगानिस्तान के खिलाफ भी धीमी शुरुआत की थी, उसने इसके बावजूद कुछ बड़ी पारी नहीं खेली। गिल के फिट होने पर ईशान किशन का प्लेइंग 11 से बाहर होना तय है। शुभमन गिल का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वह मास्क लगाए हुए अहमदाबाद एयरपोर्ट से सुरक्षा कर्मियों के साथ निकल रहा है। पाकिस्तानी टीम गिल के साथ अहमदाबाद पहुंच चुकी है। टीम इंडिया ने बुधवार को अफगानिस्तान के खिलाफ एक बड़ी जीत हासिल की और अब अहमदाबाद में है। एयरपोर्ट पर गिल बहुत सामान्य लग रहे थे और लगता था कि वह डेंगू से पूरी तरह उबर चुके हैं। अब उन्हें मैच के लिए फिट होना चाहिए। पाकिस्तान के खिलाफ खेलने की पूरी उम्मीद है। डेंगू से उबरने में आमतौर पर एक सप्ताह लगता है, लेकिन गिल जैसे खिलाड़ी पहले से ही काफी फिट हैं, इसलिए वे इससे जल्दी उबर सकते हैं। उनका स्कोर एशिया कप से पहले हुए योयो टेस्ट में सबसे अधिक था। इस साल भारत के लिए वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज शुभमन गिल हैं। वे 20 पारियों में 1230 रन बना चुके हैं। उनका औसत 72.35 था और स्ट्राइक रेट 105.03 था। इस साल वह वनडे में भी दोहरा शतक लगा चुका है। भारत के लिए विश्व कप में शुभमन गिल एक महत्वपूर्ण बल्लेबाज हैं। टीम इंडिया को फिट होकर वापसी करना बहुत महत्वपूर्ण है। अहमदाबाद में गिल का रिकॉर्ड बेहतरीन है, यही कारण है कि उनका टीम में लौटना भारत के लिए बहुत अच्छा होगा। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिए। ऐसे और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।